हद है यार। पेट्रोल मोदी अडानी को दे रहा है, सड़क मोदी अडानी को दे रहा है, एयरपोर्ट अडानी को दे रहा है, जंगल अडानी को दे रहा है, जमीन अडानी को दे रहा है, आपका मेरा घर भी एक दिन अडानी को देगा। ऐसा होने देंगे क्या? होने देंगे क्या? क्या करोगे? पार्लियामेंट चलेंगे, आज ये बैरिकेड तोड़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ पुलिस को कि देखते हैं कितना दम है आप में और हम में। आज यूथ कांग्रेस देश के कोने कोने से यहाँ पहुंची है। क्यों पहुंची है? इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, इस देश के पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, अपना खून दिया, तब ये आजादी आई है। ये आजादी अडानी को बेचने के लिए नहीं आई है, ये अडानी अंबानी की गिरवी नहीं है, ये अडानी, ये आजादी इस देश के लोगों के खून से, पसीने से आई है, जिसे हम बचाएंगे, जिसे हम लड़ेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में ये जो हजारों का हुजूम यहाँ जमा हुआ है, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज देश को ये पता चलना चाहिए कि यूथ कांग्रेस में कितना दम है, यूथ कांग्रेस में कितना दम है। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, राहुल गांधी संघर्ष करो। अरे राहुल जी संघर्ष करो, अरे पीवी श्रीनिवास संघर्ष करो, अरे पीवी श्रीनिवास संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल आपने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी सुना होगा, बार बार अपमान किया जाता है श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के पिता का। वो मात्र उनके पिता नहीं थे, वो शहीद राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री युवा रहे और इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को कहूंगी, कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता है। मैं आपको कहूंगी, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं, वो खून नहीं, कुर्बानियां दी हैं। आज ये देश कांग्रेस से एक बार दम रखता है, लेकिन ठानने की बस कमी है, उसी को लेकर हम यहां पर आए हैं। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को एक और बात कहना चाहती हूँ। कल हम जब राजघाट में बैठे थे, 6 घंटे तक बैठे थे, ये बात आई वहां पर कि हम पर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। जब नेहरू गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, सोनिया गांधी जी का अपमान किया, तब हम चुप रहे क्यों रहे? हमने तब इन पे मानहानि के दावे क्यों नहीं किए? मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई, अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। लेकिन हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, माफ करना चाहती है, माफ करती रही, लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है, अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, युवा कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे भाई श्री निवासन जी कर्नाटका जिस राज्य से आते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी, श्री निवासन भाई, प्रभारी कृष्णारावणु जी, मैं आप सभी से कहूंगी, एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहाँ से कर्नाटक रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे, इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक से होगी, मैं लिख कर दे रही हूँ। उखाड़ेंगे इन्हें हम, बिना डरे उखाड़ेंगे, लाठियां हो, जेल जाना हो, फांसी के तख्ते पर ये देश कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इस्तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है। डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं, इस्तानाशाह सत्ता को सबक सिखा कर रहेंगे, इनका अहंकार तोड़ कर रहेंगे।
फिर कहूंगी कितने बाजू कितने सर, उठाइए अपने दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, और लास्ट में कहूंगी कितने बाजू कितने सर। मेरे पीछे बोलिए और दोनों हाथ ऊपर उठा के स्थाना शासक को, कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन जान के हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जी जान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी मजबूती और इसी ताकत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। गंगा की कसम जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। सूरज की मशाले थामे हुए जिस दम को जवानी चलती है, पूरब से लगाकर पश्चिम तक सबकी तकदीर बदलती है। तूफान को आंखें दिखाने दे, बिजली को तड़प कर आने दे, और आखिरी दो पंक्तियां और जोर से, महफिल ही नहीं मजलिस ही नहीं, ये सारा तराना बदलेगा। तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तब तो ये जमाना बदलेगा। दोस्तों साथियों भाइयों और बहनों, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और आज यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे देश का नौजवान इकट्ठा हुआ है श्रीनिवास बीवी सर और कृष्णा लवरू सर के नेतृत्व में, ये दिखाता है कि आज का जो युवा है वो सारी बातें समझ रहा है। ये युवा वो युवा है जिसने ना सिर्फ आजादी की कहानी सुनी है, लेकिन आज वक्त पड़ने पर फिर से इस देश की आजादी, इस देश का लोकतंत्र और इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है, तत्पर है। दोस्तों मेरी पढ़ाई कानून की है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि आज वो वक्त आ गया है कि इस देश के संविधान में जितने लोगों का विश्वास है वो संविधान की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ सकते, हमें संविधान की लड़ाई को सड़कों तक लेकर जाना पड़ेगा। और इसलिए जरूरी है कि आज का देश का नौजवान जो है वो संविधान की शपथ ले। जिस तरीके से देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, इस देश के नौजवान का फर्ज बनता है कि हम उठे चले, नजरें मिलाएं ताना शाह से और कह दे उससे कि हमारे पूर्वजों का जो खून बहा है वो खून की कीमत हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम इस बात का प्रण लेंगे कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो जो भी करना पड़े वो हम सब कुछ करेंगे। तो साथियों क्या आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो? वक्त मांगता है कुर्बानी, तैयार है, तैयार है, वक्त मांगता है कुर्बानी, देश मांगता है कुर्बानी, अरे बोलो क्या तैयार हो? तो दोस्तों सारे भाइयों और बहनों से इस बात की मेरी गुजारिश कि संविधान को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए समय आ गया है। एक आखिरी बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि आप यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, यदि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है तो फिर आप इतने सारे लोग यहाँ पर एकजुट होकर प्रदर्शन कैसे कर पा रहे हैं? और मैंने उस बात का एक ही जवाब दिया कि इस देश में, गांधी के देश में, भगत सिंह के देश में, नेहरू के देश में, सरदार पटेल के देश में, मौलाना आजाद के देश में शांति से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अब शांति से ये भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस और इस केंद्र की सरकार ने सेक्शन 144 का मिसयूज कर सारे जगहों पर देश भर में शांति से अपनी बात कहने पर विराम कर दिया गया है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। मुंबई से आया हूं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर ये जो दौर चल रहा है देश में वो बहुत ही कठिन है और बहुत ही हानिकारक है। आगे जाकर जब हमारी नस्लें हमें पूछेगी कि ये जब तानाशाही चल रही थी तब आप क्या कर रहे थे, तो हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम लोकतंत्र की लड़ाई देश के सड़कों पर लड़ रहे थे। अगर देश की सड़कों पर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, वो यूथ कांग्रेस का सिपाही है। यूथ कांग्रेस के माध्यम ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हम साधारण कार्यकर्ताओं को एक मौका दिया है। मैं मुंबई से आता हूं, यूथ कांग्रेस के माध्यम से मुझे भी टिकट मिली और यूथ कांग्रेस की वजह से मैं महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र का विधायक बन के आया। ये पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह यूथ कांग्रेस को, क्योंकि आपकी लड़ाई कोई लड़े या ना लड़े, यूथ कांग्रेस आपकी लड़ाई हमेशा लड़ेगा। मैं बात करना चाहूंगा लोकतंत्र की। आज की जो केंद्रीय सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो ऐसे ऐसे काम कर रही है जो शर्मनाक है। अगर आप हमारे राज्य की बात करें तो रातों रात सरकार को खरीदा गया, सरकार को गिराया गया, कांग्रेस पार्टी के सरकार को गिराया गया और ये देश देख रहा है। अब हमारे एक नेता है, देश के नेता है, आम आदमी के नेता है, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में वो चल के जा रहे हैं, ऐसा देश में कभी हुआ नहीं है। मैं आह्वान करना चाहूंगा, चैलेंज करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता को कि वो इतना चल सके और लोगों के साथ चल सके। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मगर किसी भी चीज को जोड़ना बहुत कठिन होता है और वो कठिन राह पर हमारे नेता राहुल गांधी जी चल पड़े हैं। और एक यूथ कांग्रेस के सिपाही का ये नाता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके पीछे चले। समय का तकाजा है, अनेक मेरे जो राज्य के अध्यक्ष हैं और नेशनल ऑफिस बैनर्स हैं उनको बात करनी है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ जाते जाते एक शेर पढ़ना चाहूंगा। न जाने कौन मेरे हक में दुआ पढ़ता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ पढ़ता है, डूबता भी हूं तो समंदर उछाल देता है। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भीम, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे विधायक भाई, मुंबई के अध्यक्ष सुशांत जी। मैं हरियाणा के हमारे अध्यक्ष दुधारू साथी, जिनके ऊपर कल भी एक पर्चा दाखिल हुआ है,